महिला मंदिरों में पूजा के रूप में नहीं रहती, वैसे दर्शन तो करने सब आते हैं लेकिन मंदिरों में नहीं रहती है। महिला पुजारी नहीं हो सकती है ना बन सकती है। महिलाएं पुजारी इसलिए नहीं होती हैं, वो मासिक धर्म के कारण 4 से 6 दिन के लिए अशुद्ध हो जाया करती है। जब वो शुद्ध रहेंगी तो खुद आकर के भगवान का दर्शन पूजन करेगी, जब वो अशुद्ध मानी जाएगी तो खुद नहीं आएगी। जो जवान औरत हैं वो अशुद्ध नहीं है, हर तरह से अशुद्ध है। आदमी के लगे और वो सब चीज से बाल बच्चा के लगाए अशुद्ध नहीं है। औरत उतनी जानकार नहीं है और औरत में सफाई नहीं है उतना। वो पुरुष है, वो भगवान के अंश बनाए हैं। औरत जो है तो औरत के हर समय अशुद्ध है। समन मंथन हुआ था उस समय की बात है, तो ये जो श्राप दिया गया था उसके लिए, जो 3-4 भागों में उनको पृथक पृथक बांटा गया था, तो एक भाग महिलाओं को दिया गया था उसका। तो ये है तो उनका श्राप, श्राप की दरबार होती है हमारे धर्म के अनुसार, उसको पाप माना जाता है। महीने का 30 दिन में उनको शुद्ध और अशुद्ध दोनों है, इसलिए वो ना पाप मानी जाती है। वो आजकल की बेटियां भैया ज्यादा पढ़ लिख गई हैं, सर्विस करने लगी, ठीक है, लेकिन सर्विस करके भी उनको खाना तो वही बनाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खाना और कोई दूसरा बनाएगा, खाना उनको बनाना पड़ेगा, झाड़ू उनको लगानी पड़ेगी, बर्तन उनको मांजने पड़ेंगे, बच्चों के कपड़े धोने पड़ेंगे। ऐसा नहीं, खूब जितनी भी वो पढ़ लिख जाए लेकिन ये कार्य तो उनको करने ही पड़ेंगे जो उनके लिए निर्धारित किए गए। महिला महिला होती है, पुरुष पुरुष होता है।